हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निरोग टुडे में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही उपयोगी औषधि पौधे के बारे में। यह बहुत ही उपयोगी औषधि प्लांट है। यह वनौषधि पौधा समस्त भारत में पाया जाता है। यह 2000 मीटर की ऊंचाई तक भी पाया जाता है। यह ज़्यादातर बरसात में दिखाई देता है। यह खेतों के मेड़ों पर, सड़क के बगल, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इनकी अगर पत्तियों को तोड़ने पर यह बाण के अग्रभाग के समान टूटता है। जैसे कि बाण होता है, उसको अगर हम ऊपर से तोड़ते हैं तो दोनों तरफ तिरछा होता है। यह सर्प की आकृति के मुंह के समान ही तिरछा फटता है। इसको जैसे ऊपर से तोड़ते हैं तो तिरछा फटता है, सीधा नहीं। इसी कारण इसे सर्पपुंखा कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक सफ़ेद फूल वाला और एक गुलाबी पुष्प वाला होता है। यह 30 से 70 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है। इसकी शाखाएं जो होती है बहुवर्षी, क्योंकि जैसा कि यह बरसात का मौसम चल रहा है, यह सूखता नहीं गर्मी में, और जैसे ही बरसात आती है यह दोबारा फिर से उसमें पत्तियां और तने इसमें लगने लगते हैं और फूल खिलने लगते हैं। इसमें अभी फूल नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें कुछ पशुओं ने इसको खा लिया है, इसलिए इसके ऊपर की जो शाखाएं हैं वो कम हो गई हैं। यह यकृत रोग में भी फायदेमंद होता है। इसी कारण इसे प्लीहा शत्रु भी कहा जाता है। यह कुष्ठ रोग, विष, रक्त शोधक, दंत, कफ, मूत्र, ज्वर नाशक आदि में यह गुणकारी है। इसका साइंटिफिक नेम टिफोर्सिया परप्यूरिया है। यह बहुत ही कमाल का औषधि पौधा है, जो आपको हर बरसात के मौसम में आपको मिल जाएगा। इसका बहुत सारे औषधि फायदे हैं जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, जिससे कि श्वास संबंधी जितनी समस्याएं हैं उनमें यह सरपुंखा का जो आप पौधा देख रहे हैं, इसके 2 ग्राम पाउडर को हम मधु के साथ अगर दिन में 3 बार खाते हैं, जिससे श्वास संबंधी जितने भी सारी समस्याएं हैं उन सब में आपको लाभ होगा। इसके अलावा मधुनाग, जैसे कि आपकी क्या है कि जठराग्नि इसे कहते हैं, कि जैसे आपको भूख नहीं लग रही है और उससे आप परेशान हैं और कुछ खाने का मन नहीं करता, तो इसको क्या करेंगे कि जो इस सरपुंखा है, इसके पौधे की जड़ को हम ला के 10 ग्राम को 200 ग्राम पानी में उबाल कर पकाएंगे, और उसे हम सुबह शाम अगर लेते हैं तो जो इससे आपकी भूख है, जठराग्नि है, वह बढ़ाने में बहुत ही कारगर और बहुत ही उपयोगी औषधि पौधा है ये सरपुंखा का। अतिसार दस्त में भी यह कमाल का इसका प्रयोग है। आप अगर अतिसार दस्त से परेशान हैं तो इस समस्या से आप सरपुंखा के जो पंचांग का बनाकर उसमें 2-3 लौंग भी डालकर अगर उसका हम नियमित अगर सेवन करते हैं, तो इससे कि जो है कि अतिसार दस्त को यह शमन करने में बहुत ही कारगर और बहुत ही औषधीय प्रयोग है इस सरपुंखा का। स्किन रोग, त्वचा रोग संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उन सब में भी इस सरपुंखा के जो पत्ते हैं उसको हम क्या करेंगे, तोड़कर उसको हम क्या करेंगे, पीस कर अगर त्वचा पर लगाते हैं, त्वचा संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, कील, मुहासे, झाइयाँ हैं, उन सबको भी ये ठीक करने में बहुत ही कारगर और बहुत ही उपयोगी औषधि प्रयोग है इस सरपुंखा का। प्लीहा भी, अगर प्लीहा जैसे भी बढ़ गई है, उसमें भी यह बहुत ही कारगर और बहुत ही इसका लाभदायक प्रयोग है। इस सरपुंखा के जो आप देख रहे हैं, इसकी जड़ का हम पाउडर बनाकर 10 ग्राम वो हम 250 ग्राम छाछ के साथ दिन में 2 बार अगर लेते हैं, जो आपकी प्लीहा जो बढ़ गई है वह उसमें कम करने में बहुत ही कारगर है। और कुष्ठ रोग, जैसे कि सफ़ेद दाग हो गए हैं कुष्ठ रोग से, आप परेशान हैं, इसके लिए आप सरपुंखा के जो पत्ते हैं उसको हम लाकर उसको हम ब्रश निकाल कर अगर दिन में 10 से 15 मिलीग्राम 2-3 बार अगर प्रयोग करते हैं, तो कुष्ठ रोग संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उन सब को भी है खत्म करने में बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा जैसे चर्म रोग की समस्या है, आप उससे भी परेशान हैं, ठीक नहीं हो रहा है तो उसकी स्किन की, इसमें आप इस सरपुंखा के जो आप जो इसके बीज लगते हैं, अभी तो इसमें बीज नहीं लगे हैं, कुछ दिन में इसमें बीज लग जाएंगे फूल लगने के बाद, तो उसको हम पीस कर अगर चर्म जगह वाली जहाँ पर चर्म रोग हो गया उस जगह पर अगर लगाते हैं, तो चर्म रोग को यह खत्म करने के अपने अंदर यह बहुत ही क्षमता रखता है। और मूत्र रोग संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे कि मूत्र रोग में जलन है, दर्द है आदि समस्याओं से आप परेशान हैं, पेशाब रुक रुक कर आ रहा है,
तो इस सरपुंखा के 15 से 20 पत्तों को हम लाकर क्या करेंगे, पीस कर पानी के साथ इसमें 3-4 क्या करेंगे काली मिर्च मिलाकर वैसे लेते हैं, इसको पीते हैं तो मूत्र मूत्रोक्ष में जितने भी समस्याएं हैं, पेशाब जलन है, दर्द है, सूजन है आदि जितनी समस्या, उन सबको यह खत्म करने में बहुत ही कारगर और बहुत ही योगी इसका औषधि प्रयोग है सर्पुंखा है। इसके अलावा जैसे भी जहरीली चुबी से बिच्छू सर्प ने किसी चीज़ ने अगर काट लिया है तो उसके लिए भी इस सर्पुंखा के बीज को चूर्ण का अगर सेवन करने से तथा उस जगह पर अगर इसके पत्तों का अगर हम जैसे कि लेप करते हैं तो जो दर्द है विष है वो उतारने में यह कारगर है। इसीलिए सर्पुंखा भी इसे कहा जाता है कि यह बहुत ही कारगर और उपयोगी है, विषनाशक भी यह पौधा है। इसके अलावा अगर दांत में दर्द है, उसके से परेशान है, असहनीय पीड़ा हो रही है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो आप इस सर्पुंखा के पत्तों का रस निकाल कर अगर दांतों में जहाँ दर्द हो रहा है उसको हम काटन में इसके रस को ऐसे लेकर और उस जगह पर अगर लगाते हैं, उस दांतों में दबा लेते हैं तो जो दर्द है वह दर्द को यह खींच लेता है और शांत कर देता है। तो दर्द में जो असहनीय पीड़ा है उसको भी यह ठीक करने में बहुत ही कारगर और बहुत ही उपयोगी यह औषधि प्रयोग है यह सर्पुंखा। यह हमारे जीवन में, यह हमारे प्राचीन समय में जो आयुर्वेदिक पौधे हैं बहुत कमाल के हैं और बहुत ही लाभदायक हैं, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो दिन पर दिन हम इनको भूलते चले जा रहे हैं तो हम उस तरफ इन आयुर्वेदिक पौधों की तरफ हमें लौटना चाहिए और इससे हमारे जीवन में इससे हमको खुशहाली ही मिलेगी, शांत ही। जो हम नष्ट कर रहे हैं जड़ी बूटियों को, उसको हम बचाएं, उसकी सुरक्षा करें और उसे हम खुले वातावरण में जिएं और जितने भी केमिकल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसे हम छोड़ें। तो इन सब का आप लाभ उठाइए और अपना सुखी जीवन जिए। और ऐसे ही हमारे अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जैसे ही वीडियो डालूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और उपयोगी औषधि प्लान करूँ मैं, तब तक के लिए बाय बाय।